नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ डॉक्टर मिलिंद आवाज जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम एक नाथ अवाद की जीवनी जो उनके पिता हैं उस पर चर्चा करेंगे इस जीवनी का नाम है स्ट्राइक टू चेंज द वर्ल्ड जिसे जेडी पिंटो ने ट्रांसलेट किया है और ये मराठी में भी मौजूद है डॉक्टर मिलिंद आपका न्यूज़ क्लिक में, में स्वागत है मैं दो के डरबन कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करूँगा जहाँ पर इस किताब में मैंशन किया है कि भारत सरकार ने वो गलती कर दी जिसे अब शायद सुधारा भी नहीं जा सकता है और ये एक अगर हम देखें तो 2001 में भी भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा की सरकार है और पिछले चार सालों के इतिहास को देखा जाए तो लगातार दलितों पे हमले हो रहे हैं और जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं लिंचिंग लगातार हो रही हैं दलितों की तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है और 2001 की सरकार की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का टन्यूर जो था वो काफ़ी उस मामले में सेकुलर और प्रोग्रेसिव था अगर नरेंद्र मोदी के टेन्यूर को देखा जाए तो क्या ये बात सच है नहीं मुझे लगता है कि जहाँ तक कास्ट एट्रॉसिटी कास्ट दलितों के उत्पीड़न की बात है तो वो सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है वो तो हम देखते हैं कि उसका जो अभी स्टैटिस्टिक्स भी अगर देखेंगे तो वो हर साल में बहुत सिमिलर दिखती है आ, लेकिन एक ज़रूर कहा जा सकता है कि हर आ, समय का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है हर राजनीति की एक अपनी इन्फ्लुएंस होती है और वो जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस आप जिस आ, सरकार के बारे में बोल रहे हो तो इन्फ्लुएंस चाहे दिखती होगी हम देखते हैं कि आ, स्टेट गवर्नमेंट में खास करके ज़्यादा देखते हैं ये कि हर स्टेट में अगर एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल की सरकार होती है तो सर्टन uh, पॉलिटिक्स उसको एसेट करता है सर्टन पॉलिटिकल सर्टन सोशल ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है तो मुझे लगता है ये तो देश में हर जगह पे uh, दिखा गया देखा गया है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेज़ में लोगों को रिस्पॉन्ड या रिसीव किया जाता है अगर हम केवल ये कांग्रेस की अगर सरकार की बात करें तो इतने खुले तौर पर जिस तरीके से आज जो कास्ट अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं वो शायद नहीं थी पर अगर उनकी पॉलिसीज़ को देखा जाए तो अगर एजुकेशन पे जो अटैक है डी में फोर इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था जे पे जो अटैक था ये जो पॉलिसी लेवल पे अटैक था वो शायद उसी सरकार में स्टार्ट हो गया था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है हाँ मुझे मुझे लगता है कि ये लार्जरल लार्जर आइडियोलॉजिकल इशू है तो सरकार कोई इंसान की नहीं है आइडियोलॉजी की है किताब पे वापस आते हैं और एक नाथ अवाद की बात करते हैं जो मराठी की किताब है वो उसका जिक्र जो है वो एक स्लोगन के रूप में इस किताब में भी किया गया है कि जग बदला घलुनी घाव सागुन गेले माला भीमा राव ये इस नाम को रखने के पीछे कोई खास मकसद था कोई खास वजह थी ये जग बदल घुनी घाव सागुन गेले मला भीमा राव नाम का एक पोयम लिखा है कॉम्रेड साठे ने तो अन्ना भाषाटे बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है दलित मराठी राइटिंग्स में महाराष्ट्र में तो उन्होंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये हो सकता है कि स्ट्राइक द ब्लो जो उन्होंने किया, किया है स्ट्राइक द ब्लो टू चेंज द वर्ल्ड तो बाबा साहब का एक जो एंटी कास्ट एंटी क्लास विचार है उस विचार को उस विचार को वो एसट करते हुए उस उस पोएम को या उस लाइन को रेफर किया गया है तो मुझे लगता है ये एंटी कास्ट एंटी क्लास या प्रो पीपल मूवमेंट का ये टैगलाइन हो सकता है कि ये एक हैमर है जो ये करेगा जातिवाद पे या वर्गीय उत्पीड़न पे या महिला के शोषण पे उसको मार गिराएगा। तो मुझे लगता है उसका एक खास रेफरेंस है जब, जब किताब की शुरुआत होती है तो आप बात करते हैं कि किस तरीके से हम हिंदुओं को केवल हिंदुओं के रूप में नहीं देख सकते एक नाथ जी लिख रहे हैं और किस तरीके से अगर हम मुसलमानों को देखते हैं तो शिया और सुन्नी के लेंस से देखना पड़ेगा उन्हें इन दलित्स भी यही एक वो है कि, कि अम्बेडकर किसी के लिए हैं तो किसी के लिए कोई और है पर एक नाथ आवाज इन सब से ऊपर उठ के वो एक कास्ट एट्रोसिटीज़ की बात कर रहे हैं ललित अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं उनके साथ उनके जीवन को देखते हुए उनके संघर्ष को देखते हुए देखो ये तो हम ये तो इनग्रेडेड इनिक्वेलिटी ये तो कास्ट का एक करेक्टर है तो हर कास्ट अपने कास्ट हर आदमी अपने कास्ट को एसेप्ट करता है वो उसका विक्टिमाइजेशन है स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन है हमें ये लगता है कि हम जो लार्जर एंटी कास्ट एंटी क्लास या लार्जर इगेलीटेरियन आइडियाज़ को मानने वाले एसेट करने वाले लोग जो है वो एक कास्ट के इंटीरियरिटीज़ को आ, आ, मान नहीं सकते हैं तो जैसे आपने जो जिक्र किया कि विद इन शेड्यूल कास्ट एक हायर की है विद इन ओ बी सीज एक हायर की है ये तो हिंदू समाज का एक आ, आ, चरित्र है कि हर आ, समुदाय या हर जाति ऊपर के जाति से नीचे है और एक पूरा उसकी अपनी एक सीढ़ी है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पिताजी को देखा है और मेरे पिताजी बहुत सारे देश में ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके जैसे और मुझे लगता है ये एक बहुत साधारण कार्यकर्ता की स्टोरी है जो लोकली गाँव में जाके लोगों को परिवर्तन पुरोगामी विचार लोगों को अपने खुद के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं देश में जो अलग अलग प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को समझ के गाँव में उसको उसको कनेक्ट कर रहे एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनके पास एक ऑप्शन था नौकरी करने का फिर भी उन्होंने वो छोड़ के वापस जी उस रास्ते को अपनाया जी बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है ये जो और इसीलिए मैं कहा कह रहा हूँ कि ये ये किताब बहुत थिरॉइक आदमी के बारे में नहीं है मुझे लगता है कि ये किताब देश में ऐसे तमाम सारे कार्यकर्ता है तमाम सारे विचार को एसेट करके लोगों के साथ काम करने काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के बारे में है तो जैसे आपने बोला कि और ऐसे बहुत सारे लोग मतलब हर हम हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अपना करियर बना सकते हैं या करियर बनाते बनाते लोगों के मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है ये एक वो एक जनरेशन का भी इम्पैक्ट रहा है हम वो काफ़ी टाइम सुनते हैं कि आई के प्रोफेसरों ने जाके गाँव में काम किया या हम हमारे समय में भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ के लोगों के साथ जुड़ गए और बहुत अच्छा वहाँ काम उनके इनसे इं, इंटेंसिव कौ, इंसेंटिव कंट्रीब्यूट कर पाए हैं वहाँ तो मुझे लगता है कि ये जो ये जो किताब है वो एक ऐसे कार्यकर्ता की कथा है ये ऐसे कार्यकर्ता का आ, न, आ, 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 ये स्टोरी है जो बहुत सारे स्टोरीज को जोड़ता है लोगों के स्टोरीज को जोड़ता है गांव में अलग अलग स्टोरीज है उसको जोड़ता है सो दिस बुक इज ऑल अबाउट पीपल स्टोरीज एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे आप इस किताब में पढ़ सकते हैं कि चार मजदूरों की बात हो रही है और वो उन्हें उनके मालिक कहते हैं कि अब जाओ आप तुम आज़ाद हुए और वो खुशी मनाते हुए वापस आते हैं कि हमें आज़ाद कर दिया उस आज़ादी में भी वो एक अपना जो अपने जो सुपीरियर हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो एक नाथ आवाद के जीवन को देखते हुए उनके साथ रहते हुए जब आपने कास्ट के खिलाफ एक स्ट्रगल छोड़ी है और अपने कास्ट के लोगों से डील करना कैसा रहा है मुझे ये लगता है कि आगे और मैं भारतीय समाज के चरित्र के और आता हूँ हम समुदाय में हर समुदाय में देखेंगे तो हमने देखा है कि जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया लेकिन उनके खुद के समुदाय ने उनको इतना परस्यू नहीं किया जितना बाकी लोगों ने किया तो मुझे ये लगता है कि जो उनका अपने खुद के समाज में वही तो बेसिकली यही अंधश्रद्धा है यही विक्टिमाइजेशन है जो अपने लोगों को सुधा अपने लोगों को समझा पा रहा है लेकिन अपने लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यही एक्टिविज्म है तो अपने खुद के लोगों से ह्यूमिलेट होना हर समुदाय में ये होता है हर समुदाय में हर समुदाय की हर समुदाय के कार्यकर्ता की ये 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 आ, दुख रहा है कि वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनके साथ काम कर रहा है वो लोग आ, उस काम को इतना ठीक से नहीं समझ रहे हैं जो समझने वाले लोग समझते हैं तो मुझे लगता है कि और खास करके दलित आंदोलनों में हम देखते हैं मैंने जैसे बोला कि विद इन शेड्यूल कास्ट उसका एक इंटीरियरिटीज रहा है जिसको बद्रीनारायण इनविजिबल कास्ट ऐसा कह सकते हैं कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह जो इनविजिबल कास्ट है या जो अभी तक मोबिलाइजेशन की पार्ट मोबिलाइजेशन का पार्ट नहीं बने हैं मोबिलाइजेशन में नहीं है क्योंकि उन्होंने उन उन कास्ट में इंटरवेंशन नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि ये जो ये जो इंटेलेक्चुअल सोशल मोबिलिटी जिन समुदाय में नहीं है उन समुदाय में खास करके ये दिखता है कि एक्टिविज़म को वो उतना ज़्यादा परसीव कर नहीं पाते एक्सेप्ट नहीं कर पाते जितना समझदार समुदाय करता है तो मुझे लगता है उसको ऐसे ही समझना चाहिए जब ये ट्रांसलेटर्स के नोट को पढ़े तो वो शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से वो जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ मानव हक अभियान का एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है अगर मानव हक अभियान की बात करें तो आज क्या स्थिति है उस अभियान की अभी मैं तो उसको देख रहा हूँ मानवीय का अभियान ये समुदाय में 20-25 साल में एक बहुत भारी इंटरवेंशन रहा है और मानवीय हक्का अभियान ने जिन कम से कम मराठवाड़ा और विदर्भ कम से कम पंद्रह हज़ार पंद्रह सौ गाँव में इनका गाँव में बहुत अच्छा प्रेजेंस है तो मुझे लगता है कि उस प्रोसेस से पंद्रह बीस साल में जो अभी मेरे साथ काफ़ी लोग काम करते हैं हम जुड़े हुए हैं हम साथ में इस काम करते हैं जो उन्नीस में दस साल का था वो अभी दो हज़ार पंद्रह में आ, कुछ 25-30 साल का हुआ है तो वो अभी एक्टिविस्ट है तो मुझे लगता है कि मानवीय हक्का अभियान ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि उनके जातीय उत्पीड़न के खिलाफ ज़रूर खड़ा रहा है मूवमेंट खड़ी खड़ी की है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त समझदार और एसर्टिव लीडर्स पैदा किए हैं तो इस पूरे प्रोसेस में हजारों लीडर हैं, जो गांवों में अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने अपने समुदाय को लोगों को सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक दृष्टियाँ उनको लीड कर रहे हैं अगर इस अभियान की बात करें और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो जो एक क्लास का इशू है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है मुझे ऐसा लगता है तो एक आज के समय को देखा जाए चाहे, चाहे गुजरात में जिग्नेश मेवानी का पूरा आंदोलन रहा हो या भीम आर्मी का आंदोलन उत्तर प्रदेश में रहा हो वो केवल एट्रॉसिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं वो ज़मीन की भी बात कर रहे हैं इस पूरे इन जो मूवमेंट्स को देखें और दलित पैंथर्स मूवमेंट से जोड़ें तो क्या उसमें कुछ समानताएं नजर आती हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ग्रास रूट मोबिलाइजेशन में हम जैसे इंटेलेक्चुअली एंटी कास्ट मूवमेंट और एंटी क्लास्ट मूवमेंट एंटेगोनाइज समझते हैं इंटेलेक्चुअली वैसा ग्रास रूट एक्टिविज्म में आपको नहीं दिखेगा और मेरे हिसाब से इगेलिटेरियन आइडियाज एंटेगोनाइज हो भी नहीं सकती इंटेलेक्चुअली भी हाँ जरूर उनमें एक अपना वैचारिक आ, 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 क्रिटिक रह, रह सकता है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल क्रिटिक हो सकता है लेकिन इगेलिटेरियन आइडियाज कान स्टैंड ईच सो आई मुझे लगता है कि आ, जो ग्रास रूट पे ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों का आ, एसर्शन है तो आ, इसको तो हमें समझना चाहिए कि दलित अगर दलित है और उसको स्टिग्माटाइज किया है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है तो खास करके लैंड राइट आंदोलन को अगर हम देखेंगे तो देश में हम ये कह सकते हैं कि लैंड राइट आंदोलन को लेके लेफ्ट का बहुत भारी इंटरवेंशन रहा है लेकिन लैंड राइट आंदोलन उनके अनटचेबिलिटी को भी इमेंसीपेट कर रहा है उनको एम्पावर कर रहा है तो मुझे लगता है कि हम उसको मतलब अम्बेडकर आंदोलन को हम सिर्फ कल्चरल कल्चरली एम्पावर्ड मूवमेंट ना समझ के उसको हम वो मूवमेंट मटेरियल एम्पावरमेंट के लिए भी है तो आर्थिक आंदोलन भी है तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक uh, को ये ये जो एक कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को ग्रास रूट एक्टिविज़म बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है तो इस बुक में आपने बिल्कुल ठीक से पकड़ा कि जो समुदाय एट्रोसिटी के मुद्दे पे काम कर रहा है अपने मानवीय हक पे काम कर रहा है सिविल राइट्स पे काम कर रहा है वही समुदाय लैंड जैसे रिसोर्सेज को भी आ, 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 क्लेम, कर क्लेम कर रहा है, है ना ग्रेजिंग लैंड या और मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि और ये अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो ये कहीं एक कमी रही है लेफ्ट की भी और राइट मूवमेंट्स की भी कि वो आपस में शायद एक साथ मिल के काम नहीं कर पाए और यही वजह रही है कि आज हमें हम देख रहे हैं कि इतनी अट्रॉसिटीज़ के बाद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एन कुछ लेफ्ट मूवमेंट्स और राइट मूवमेंट्स एक साथ इन इन इश्यूज पे लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो कमिया भी बोल सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि ये तो करस्पोंडेंस है हाँ अम्बेडकरी विचार मार्क्सवादी विचार या तमाम तमाम जो प्रोग्रेसिव विचार जो है वो करस्पोंडेंस में बढ़ रहा है और उसका एक अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको और आगे बढ़ाया जाता है तो मुझे ये लगता है कि देश में अभी जितने भी जैसे आपने जिक्र किया देश में जितने भी तमाम जन आंदोलन खड़े हो रहे हैं वो करस्पोंडेंस में हो रहे हैं वो आइसोलेशन में नहीं खड़े हो सकते आइडियोलॉजिकली एंड अदरवाइज तो मुझे लगता है कि ये जो करस्पोंडेंस है ये करस्पोंडेंस में बड़ा हुआ जो प्रोग्रेसिव माहौल है वो इस देश देश के सामाजिक और वैचारिक चरित्र को बदल देगा तो ये तो एक होप जरूर है कि जो भी लोकली खड़ा हुआ आंदोलन है वो एक लार्जर समाज के साथ जा रहा है और शायद यही एक नाथ आवाद की विजय होगी कि ये समाज के जो चरित्र हैं चाहे वो सोशल हो इकोनॉमिकल हो उसको बदल दे तो तभी शायद ये समाज एक बेहतर समाज की तरफ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया मिलिंद समय देने के लिए और हम अपने दर्शकों से लगातार बोलेंगे कि ये ये किताब खरीदें पढ़ें और एक ऐसे कार्यकर्ता के बारे में जाने जिसने अपना जो पढ़े पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो अच्छा सरकारी जीवन जी सकता था उसने वो छोड़ के ग्रास रूट पे काम किया धन्यवाद मिले न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद